यस बेटा, क्या हुआ? पापा गोदी ले ले। पापा गोदी नहीं ले पाएंगे आपको, नहीं ले पाएंगे गोदी। अरे अरे, क्या बात है, बड़ी सुंदर सी ड्रेस पहनी है आपने। हाँ, बड़ी सुंदर सी ड्रेस पहनी है आपने, क्या बात है। अभी देखना ही पूजा को जाके परेशान करेगा। कच्चा पम्पकिन खा रहे हो? कच्चा पम्पकिन मतलब कुछ भी खाओगे, कुछ भी चलेगा बेटा को। तो आजकल ना ये बहुत जिद करते कि मुझे गोदी में ले लो, और मैं इसको गोदी में नहीं ले पाता अपने हाथ की वजह से। वैसे तो मैं राइट हैंड ही हूँ, लेकिन अगर कुछ भी काम करता हूँ और कुछ भी चीज़ उठाता हूँ रखता हूँ तो अपना लेफ्ट हैंड ही ज़्यादा यूज़ करता हूँ, तो चक्कर में मैं उसको उठा नहीं पाता। और अभी इसे उठाया तो कल रात को तो बहुत ज़्यादा दर्द हाथ में बढ़ गया था। जब तक ये पैरों पर चलने लायक नहीं होगी तब तक अपन इसके साथ अच्छे से खेल नहीं पाएंगे, क्योंकि छोटे बच्चे तो होते हैं बहुत शैतान, है ना कोको मेलन, कोको मेलन बेटा। छोटे छोटे दो सामने से दांत आ रहे हैं नीचे से, और अभी देखो इसको हाथ में हमने ये पम्पकिन दिया था तो इसने कैसे तुमने दांत मार दिए, स्क्रैच कर दिया। ये देखो, अगर आपको दिख रहा हो तो ये थोड़ा सा ब्लर आ रहा है, लेकिन आपको स्क्रैचेस दिख रहे होंगे। फिलहाल अपना स्पिनी से कैंपर वैन का रेट आ चुका है, कैंपर वैन का सेम रेट मिल रहा है जो मुझे बाहर मार्केट में मिल रहा है, लेकिन उनके ना थोड़े से टर्म्स एंड कंडीशन है कि वो लोग कुछ पैसा होल्ड करेंगे और उसके बाद वो गाड़ी मतलब गाड़ी पहले ले लेंगे, लेकिन कुछ पैसे होल्ड करेंगे जब तक वो गाड़ी किसी और के नाम पर ट्रांसफ़र नहीं हो जाएगी। अब यार उनके पास गाड़ी जाने के बाद कितने टाइम में बिके कुछ आइडिया नहीं है, तब तक अपने पैसे उनके पास होल्ड रहेंगे। ये थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है कि मैं उन लोगों को दूं या बाहर मार्केट में किसी और को दे दूं। फिलहाल मेरा एक राइड का छोटा सा प्लान बना हुआ है, और जैसे मैंने आपको बोला था कोई डेस्टिनेशन नहीं है, बस जाना है, घूमना है, फिरना है, मजे मारने हैं। तो उसके लिए मैंने कुछ अपने अप्रीलिया के लिए बैग्स के ऑर्डर दिए थे, वो जाके मुझे पिक करने हैं, अप्रीलिया की वॉशिंग करानी है, और देन उसके बाद अपने को निकल जाना है। और जो जो सामान मैं लेके जा रहा हूँ और कौन से बैग बनवाएं वो इस व्लॉग के एंड में आपको बताऊँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी। मैं जब किलर के स्टोर के लिए निकला था तो एक्स्ट्रा फ्यूल कैरी करना पड़ा था, तो उस चक्कर में पता क्या हुआ, अपना आगे का जो बैग था जिसमें कैमरा वगैरह रखे हुए थे जो मैंने पैरों में रखा हुआ था, वो यार उसको कैरी करना मैंने आगे उसको टांगा, नीचे केन रखी, फिर उसके बाद मैं राइड कर रहा हूँ। और आपको पता है कि इस तरीके से ऑड इवन अगर आपके पास लगेज है तो आप राइड नहीं कर पाओगे, तो इस चक्कर में मैंने अभी नए बैग्स बनवाए अप्रीलिया के लिए, तो वो इस ब्लॉग के एंड में बताने वाला हूँ। देखना बहुत इंटरेस्टिंग है, जितने लोग भी स्कूटर से राइड करने की सोच रहे हैं ना उनका तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो जैसे जैसे करके मैं पहुंच गया हूँ सर्विस सेंटर, यहाँ पे वॉशिंग होने वाली है, लेकिन अभी चल रहा है लंच टाइम तो भैया लंच कर रहे हैं, उनका 15-20 मिनट लगेंगे, तब तक मुझे वेट करना पड़ेगा। बाकी अप्रैलिया बहुत गंदी दिख रही है, अभी 2-3 दिन से ना नाइट में बारिश हो रही है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। परसों रात को इतनी तेज़ ठंडी हवा चल रही थी कि मेरा मन कर रहा था कि बस मैं स्कूटर निकालूँ या निम्बस निकालूँ और निकल जाऊँ, लेकिन जब तैयारी ना हो तो निकलना बेकार है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि अपनी सारी तैयारी करते हैं। अप्रैलिया तो वॉश हो गया, लेकिन ना धूप इतनी तेज़ हो गया कि अब मेरे को जाना पड़ेगा जहाँ बैग बनाने के लिए दिए हुए हैं वो कलेक्ट करने पड़ेंगे। यार ये धूप ने ना सच में मामला ख़राब कर रखा है। काम करता हूँ फटाफट, बाहर का सारा काम ख़त्म करता हूँ, बैग कलेक्ट करता हूँ और सीधा मिलता हूँ आपको घर पर। फाइनली पूरे दिन का काम खत्म करके मैं घर आ गया, और आपको पता ही है कि गर्मी के अंदर घूमना ना आज की डेट में, बोले तो दिल्ली के अंदर घूमना आज की डेट में बहुत मुश्किल है। फिलहाल मैंने सारा सब कुछ रेडी कर लिया है और बैग्स भी अपने सारे बन चुके हैं जो अपने को अपनी अप्रैल के ऊपर सेट करने हैं, और मैंने अपनी आंखों के सामने सारा सामान लगा दिया है जो जो मैं ट्रिप पर कैरी कर रहा हूँ। अभी जो यहाँ पे ये सारा सामान रखा हुआ है ये भी आपको एक बार दिखा देता हूँ कि इसमें जरूरत वाली चीजें कौन सी है और किस किस काम आएंगी एक रोड ट्रिप के ऊपर। तो सबसे पहले मैंने इधर रख दिया ड्रोन, और ड्रोन का रिमोट सब जानते हैं तो जरूरत है, ये उस वाले बैग के अंदर आ जाएगा।
और ठीक साथ में हमने रख दिया थोड़ा सा किचन का सामान। ये हमारे बर्तन हो गए, पहले भी आपको दिखा चुका हूँ, टिश्यू पेपर हो गया, गैस कैन हो गए और नीचे हमारा स्लीपिंग एयर बेड हो गया। इधर हमारी एक मॉइस्चराइजर क्रीम हो गई, छोटा सा डिओड्रेंट हो गया, शेविंग क्रीम हो गई, कॉलगेट हो गया, ब्रश हो गया, अपनी बूट को पॉलिश करने के लिए पॉलिश रख ली है, कॉम्ब हो गया, साथ में फेस वॉश रख लिया है और ये हमारा पेपर स्प्रे। जंगली जानवरों से और कुछ टेढ़े मेढ़े लोगों से भिड़ने के बहुत काम आएगा, अभी तो यूज किया नहीं है और कोशिश करूंगा, प्रे करूंगा कि कभी इसको यूज करने की जरूरत भी ना पड़े। और ठीक साथ में कैरी करो एब्जॉर्ब डस्टिंग पाउडर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एब्जॉर्ब डस्टिंग पाउडर क्यों कैरी करो, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमें ट्रिप पर निकलने से पहले काफी हैवी हैवी कपड़े पहनने पड़ते हैं, राइडिंग जैकेट, राइडिंग ग्लव्स, राइडिंग पैंट और भी बहुत कुछ, और काफी लंबी लंबी राइड पर निकलते हैं जिस वजह से हमें अलग अलग वेदर का सामना करना पड़ता है, और अगर रास्ते में धूप मिल जाए तो गर्मी के कारण हालत खराब हो जाती है और सारे कपड़े पसीने से भर जाते हैं, कई जगह हवा ना लगने पर पसीना जम जाता है जिसकी वजह से रैशेज और खुजली होने लगती है। तो इसका हल मैंने ढूंढ लिया है, बाहर जाने से पहले और रोज नहाने के बाद एब्जॉर्ब डस्टिंग पाउडर लगाना शुरू कर दिया है। तो राइड पर जाने से पहले आई मेक श्योर मैं ये लगाना बिल्कुल ना भूलूं, ये बहुत अच्छे से अपना काम करता है क्योंकि इसमें टाल्क और स्टार्च दोनों का कॉम्बिनेशन है जिससे दो गुना पसीना सोखा जा सकता है और ये रेगुलर टाल्क से बहुत हटके है। एब्जॉर्ब पाउडर से राइड करने में मुझे काफी हेल्प मिली है क्योंकि इससे पसीना काफी हद तक कंट्रोल में रहता है और मैं पूरा दिन इच फ्री राइड कर सकता हूँ। अगर किसी को एब्जॉर्ब डस्टिंग पाउडर खरीदना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके बाय कर सकते हो। इसी के ठीक साथ में मैंने एक छोटा सा गैस स्टोव कैरी कर रहा हूँ, ये आप देख चुके हो हमारी अनचार्टेड सीरीज में, एक थोड़ा बड़ा वाला गैस स्टोव कैरी कर रहा हूँ। ये वाला गैस स्टोव इस वाली गैस कैन के साथ कनेक्ट होगा और ये वाला गैस स्टोव इस वाली गैस कैन के साथ कनेक्ट होगा। साथ में हो गया हमारा सफोला गोल्ड ऑयल और ठीक इधर हम कैरी कर रहे हैं पावर बैंक्स, ब्लूटूथ स्पीकर, अपना मैकबुक, यूएसबी केबल्स, हेडलाइट, हेडलाइट के लिए एक्स्ट्रा सेल और एक हमारा नाइट में कैंपिंग के लिए बल्ब और थोड़ी सी टेप हो गई, और उधर हमारे कैमरा हो गए गोप्रो एंड ऑल, उधर अपनी टूल किट हो गई, उधर बैटरी हो गई, अपनी टॉर्च हो गई, बीपी की मशीन हो गई, एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड हो गए और साथ में हमारी एग ट्रे हो गई, और छोटा मोटा सामान और है जो कुछ स्कूटर के अंदर पड़ा ही है और बाकी मैं ढूंढ ढांड के निकाल लूंगा। तो आपको एक बार दिखा देता हूँ कि आज मैंने कौन से बैग बनवाए, और तो सामने आप देख रहे हो मैंने ये सारे बैग बनवाए हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ वो वाला बैग, इस वाले बैग का क्या काम है। तो जो पहले वाला हम लोग पीछे वाली सीट के ऊपर बैग रख रहे थे जिसके अंदर टेबल वगैरह थी, वो बहुत बड़ा हो रहा था तो मैंने बिल्कुल ठीक उसके फिटिंग का कर दिया है। ये ऊपर की दो हमें स्ट्रैप्स ओपन करनी है और उसके बाद इस चेन को जैसे हम ओपन करेंगे इसके अंदर हमारी टेबल और हमारा योगा मैट फिक्स हो गया है और ये कहीं भी हिलने वाला नहीं है, प्रॉपर तरीके से मैंने सेट कर दिया है ताकि अपनी अप्रिलिया के ऊपर अच्छे से फिटिंग होके सेट हो जाए, और ये साथ में स्ट्रैप्स हो गई जो नीचे लग जाएगी और आपका बैग हिलेगा नहीं। ठीक इसी के ऊपर मैंने ये वाला एक और बैग बनवाया जो इसके ऊपर आ जाएगा और इन स्ट्रैप के थ्रू ये लॉक हो जाएगा। अब इसके अंदर मैंने क्या क्या सामान रखा है, एक तो हो गया हमारा ट्राइपॉड, दूसरा हो गया हमारा चेयर, और अभी इसके अंदर इतना स्पेस बचा हुआ है कि हम लोग अपना टेंट भी डाल सकते हैं और छोटी मोटी चीजें और रख सकते हैं। तो जब ये इसके ऊपर प्रॉपर बंद होके लॉक हो जाएगा तो ये एक पूरा कंप्लीट सेटअप दिखेगा। पहले मैंने जितना भी सेटअप बनाया था वो टोटल निम्बस के अकॉर्डिंग बना हुआ था, लेकिन अपन अभी अप्रिलिया पे राइड कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग बनना चाहिए। और अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी अपने जहाँ पे हम लोग पैर रखते हैं जो बूट स्पेस होता है वहां का क्या यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि अपने को एक्स्ट्रा केन भी चाहिए और अपने को एक छोटा सा टैंक बैग भी चाहिए जिसके अंदर अपना ये सोनी A7C और अपना ड्रोन इजिली रखा जा सके। हम पहले ना बैकपैक रख के चल रहे थे यार, वो ना बहुत इरिटेट कर रहा था, एक एक सामान निकालने के लिए ना बहुत मेहनत हो रही थी। तो सामने ये दो बैग रखे हैं, ये दोनों हमारे आएंगे बूट स्पेस के पास में। सबसे पहले ये वाला बैग हम लोग उठाते हैं, इसमें आप देख सकते हो चारों तरफ से बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाया गया है और यहाँ पे एक पॉकेट भी दी गई है जिसके अंदर हम लोग अपनी सेल्फी स्टिक वगैरह खड़ी करके रख सकते हैं। पीछे की तरफ एक हुक भी बनाया गया है जो ऊपर की तरफ सामान अटकाने के लिए हुक दिया होता है, उसके अंदर ये लॉक हो जाएगा। अब ये जो साथ में स्ट्रैप दी हुई है इनका यूटिलाइज मैं बताऊंगा कि ये किस लिए है। सबसे पहले आपको इसको ओपन करके दिखा देता हूँ, इसके अंदर रखिए एक 10 लीटर की केन। तो जो ये वाली केन है ये हमने ली थी अपने अजय भाई से, हम लोग यूज कर सकते हैं पेट्रोल कैरी करने पर, और अगर हमको पेट्रोल कैरी भी नहीं करना है तो अपन इसके अंदर स्लीपिंग बैग वगैरह आराम से रख के कैरी कर सकते हैं। अब ये रुकेगा कैसे, इसके नीचे की ये दो स्ट्रैप बनाई हुई है, ये आपका स्कूटी के बिल्कुल नीचे से होके जाएगा और यहाँ पर आने के बाद इसके अंदर लॉक हो जाएगा, सेम ऐसे ही ये भी होगा। तो नीचे से ये फिक्स हो गया और ऊपर से यहाँ से फिक्स हो गया, तो ये आपका बैग कहीं भी गिरने वाला नहीं है, आप कितना
जितना भी ऑफ रोड कर लो बिल्कुल परफेक्ट सेट हो गया। अब ये तो हो गया, अब अपने को ना प्रॉब्लम आ रही थी अपना DSLR और ड्रोन कैरी करने में, कि मैं चाहता हूँ कि एक छोटा सा टैंक बैग हो जो आगे रख जाए, फटाफट खोलूं, यूज करूं और फिर पैक करके रख दूं। तो ये मैंने छोटा सा बैग बनाया एक, ये इसके नीचे ना मैंने बिल्कुल टैंक बैग जैसा हिसाब किताब दिया है, आप देख सकते हो ये। और ये क्या होगा, इस वाले बैग के ऊपर अटैच हो जाएगा। कैसे, साइड में ना मैंने इसके वेलक्रो लगवा दिया, इस तरफ मैंने वेलक्रो लगवा दिया दोनों तरफ। अब ये वाला बैग इसके ऊपर जाएगा और ये यहाँ से वेलक्रो से अटैच हो जाएगा। अब पीछे की तरफ मैंने हुक सिस्टम दे दिया है, इसको भी हम लोग वहाँ पे टाई कर देंगे। तो ये वेलक्रो काफी हैवी ड्यूटी है, तो आपका बैग गिरेगा नहीं और अच्छे से इसके अंदर हम लोग सामान रख सकते हैं। और जब इसको खोलेंगे हम लोग, यहाँ पे इतना स्पेस अवेलेबल है, ड्रोन रखा और इसके आगे इतना स्पेस हो गया कि अपना कैमरा अच्छे से सेट हो सकता है, और इसको फिर हम लोग बंद कर देंगे। देखो ये सारा सामान ना मैं अपना एक बैकपैक में भी कैरी कर रहा था, लेकिन यार आपको पता है इतना एक्सपेंसिव कैमरा भी हम लोग यूज कर रहे हैं और इसके अंदर सेंसिटिव सेंसर्स वगैरह लगे हुए हैं, तो उनको भी अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। और आपको पता है कि कैमरा एक ऐसी चीज है कि अगर आपने अच्छे से केयर नहीं करी तो कब आपको धोखा दे जाए पता नहीं है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि यार प्रॉपर लगेज वाला सिस्टम होना चाहिए कि अपना सारा सामान अच्छे से कैरी हो सके। और दूसरी चीज, टाइम भी बचता है यार अपना, अदरवाइज बैकपैक को खोल लो, उसमें से पहले कैमरा ढूंढो, फिर ट्राइपॉड ढूंढो, वो बहुत ज़्यादा टाइम ना कंज्यूम कर रहा था कहीं ना कहीं रोड ट्रिप पर। तो जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाके ये चीज़ें अपने हिसाब से खरीद सकते हैं। और पूरा दिन की भागदौड़ के बाद भी अपने दो काम पेंडिंग रह गए। एक तो ये अपना पुराना फोन है जो पहले मैं GPS के बेस पे यूज़ करता था और बिली ने ना यहाँ से चबा दिया था, तो इसका फोल्डर चेंज कराना पड़ेगा। मैंने सोचा था इसको चेंज करा लेता हूँ क्योंकि आगे जो GPS पे अपना फोन लगा रहता है वो परमानेंट लगा रहा है, और अभी क्या होता है कि मैं अपना जो बेसिक फोन यूज करो नोट वही लगाना पड़ता है, फोन आता है या फोटो खींचनी पड़ती है तो उसे खोलना पड़ता है बार बार। और कुछ लोकेशंस ऐसी होती है जहाँ पे एक बार अगर नेटवर्क नहीं आ रहा और आपने एग्जिट कर दिया मैप में तो दोबारा यार उसको सर्च करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए सोच रहा हूँ कि इसको ठीक करा लेता हूँ। आज मैं गया था शॉप पे तो वो वहाँ पे भी ये काम बन नहीं पाया। और एक दूसरा काम ये है कि अपनी निम्बस यार बहुत टाइम से ना खराब, मतलब पूरा सब कुछ ठीक है लेकिन उसके अंदर एक ऑक्सीजन सेंसर लगता है जो साइलेंसर के ऊपर लगा होता है, वो उसका खराब हो गया है तो वो चेंज कराना पड़ेगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि कल ये दोनों काम करा लेता हूँ राइड पे निकलने से पहले, फिर उसके बाद देखते हैं कि अप्रिलिया से जाते हैं या निम्बस से जाते हैं। तो ये थोड़ा सा सरप्राइज है आप लोगों के लिए जो आपको कल वाली वीडियो के एंड में पता लगेगा कि अपन अप्रिलिया से जाएंगे या फिर निम्बस से। तो काम करते हैं, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। तो आपको पता है ना क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, इंस्टाग्राम का लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, जाके फॉलो कर लो रेगुलर अपडेट्स के लिए। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय।